उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा वीलॉग आप लोगों के लिए बहुत ही माउथ वाटरिंग होगा। आज हम जा रहे हैं लाहौर के बहुत ही पुराने एक कदीम नाश्ते पे ताज कुल्चा, जो कि लाहौर की अंदरून लाहौर की मोची गेट की बहुत ही पुरानी रवायत है। मैंने भी उसको पहले कभी ट्राई नहीं किया, तो आज हम लोगों ने फर्स्ट टाइम गए विजिट के लिए जा रहे हैं महताज कुल्चा पे। हमने प्लान किया है हम ऑरेंज लाइन ट्रेन के जरिए जा रहे हैं। हम यहाँ से अली टाउन से बैठ रहे हैं और वहाँ पे हाजी कैंप पे उतरेंगे, उसके बाद वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट लेंगे। तो हमें मोची गेट के पास जाना है अंदरून लाहौर में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाने की रीज़न ये है कि छोटी कंजेस्टेड एरिया है, नैरो स्ट्रीट्स हैं, ताकि ईजिली हम वहाँ पर पैदल भी जा सकें। पार्टीशन से पहले रामदास नामी एक हिंदू था जिसकी रेसिपी लिए दास कुल्चा। पार्टीशन से पहले तकरीबन 5 से 6 यहाँ पे शॉप थी, जो कि अब सारी ख़त्म हो गई हैं। सिर्फ एक है, वो है महरदास के नाम से। पूरे लाहौर में यहाँ पे महरदास के नाम से सिर्फ एक शख्स जो है दास कुल्चा लगाता है। दुकान सुबह 6 बजे खोलते हैं और उसके बाद मैक्सिमम 11 बजे तक ये ग्राहकों को सर्व करते हैं, और बहुत सी महदूद मकदार में ये दास कुल्चा बनाते हैं। डेली सिर्फ 400 कुल्चा बनाते हैं। और जब हमने भी विज़िट किया है तो 9:30 बजे तक जो कस्टमर्स आ रहे थे उनको वो एक्सक्यूज़ कर रहे थे, क्योंकि उनके सारे कुल्चे उस टाइम तक ख़त्म हो चुके थे। ये लॉन्चड़े फ्राई किए जा रहे हैं बेसन के अंदर, कलवंजी और नमक को मिक्स करके पकौड़ों की तरह उसको ये फ्राई करते हैं। ये साथ में दास कुल्चा के साथ इसको सर्व करते हैं। ये इसकी एक ख़ास इनफरादियत है। सिटिंग के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, अलबत्ता इन्होंने एक छोटा सा कमरा है उसके अंदर 3 टेबल लगे हुए हैं। जो लोग फैमिली के साथ आते हैं वहाँ बैठ के ईजी हो के वो उसको खा सकते हैं। बाकी लोग शॉप के दाएं बाएं थड़ों पे खड़े होके वहीं पे उसको खाते हैं या फिर पैक करवा के घर ले जाते हैं। दास कुल्चा यहाँ की एक सौगात है, लोग बहुत दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार खाने के लिए आएँ तो हो सकता है आपको ये अच्छा ना लगे, क्योंकि ये थोड़ा फीका होता है।